इतना ज्यादा धूप हो रहा है, सब जगह पानी पानी। Since 4-5 years, we guys were just planning to go somewhere together, and every time plan failed successfully, but not this time. They guys are on the way. You guys just guess this backpack is to which place? So it was raining outside. अब तो धूप वगैरह निकल गया है. And no idea हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं. I was gone trying calling them, but unreachable बता रहा है हम लोगों का फोन. So let's wait. अच्छा वो बालकनी साफ है क्योंकि बारिश हो रहा था सुबह से. Hello everyone, good morning. Welcome back again to the channel. Next day मैं फिर से vlog shoot कर रहा हूँ क्योंकि कल वाले vlog continue नहीं कर सका क्योंकि काम वाम बहुत सारा था और मैं टायर्ड हो गया था तो ब्लॉगर कंटिन्यू नहीं कर सका. सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ. हमारी पहले दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से शुरू होती है, थोड़ी सी हड़बड़ी में, पर हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होती हमारी. इतना ज़्यादा धूप हो रहा है, सब जगह पानी पानी भरी है यार बारिश के लिए. मे बी दे विल रीच विद इन एन आवर, तो वेट करते हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है. बाकी लोगों के लिए क्या ही वेट करना है, अपना दिन तो शुरू कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सम पॉजिटिविटी. थोड़ा इसको धनिया के साथ गार्निश कर देंगे, उसके बाद प्लेटर करेंगे. चलिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है. वैसे तो मैं बहुत रेयरली खाना बनाता हूँ, आज मन किया तो मैं बना लिया. सो दिस इज हाउ इट इज. देखते अब खा के कैसा लगा. इतना काम कर चुका हूँ, आप लोगों ने देखा, आप जो जो आ रहे हैं ना सबको काम कर रहे हैं. अगले दिन सुबह इन लोग सब पहुंच जाते हैं घर एंड अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना के अपना खाना पीना कर लेते हैं और मैं चलता हूं अभी अपना बैग पैक करने के लिए क्योंकि बहुत सारा सामान लेके जाना है. एवरीथिंग इज ऑल सेट और थोड़ा बहुत सारा सामान वगैरह बाकी है, वो सारा चीज़ें थोड़ा सा पैक करना है. मतलब मैं शूज़ का बैग अलग कर दिया हूँ और मेरे जितने भी क्लोथ्स वगैरह थे वो सबको अलग पैक कर दिया हूँ, जस्ट कि मैं उसको ईजिली मतलब इधर उधर कर सकूँ इसी चीज़ के लिए. सो आई एम कैरिंग टू बैग्स, वन इज़ द बिग वन और एक छोटा सा है जो मैं हैंडी ऐसे हाथ में पकड़ के चले जाऊँगा. और जब भी आप लोग भी कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो एक बड़ा बैग और एक छोटा बैग ऑब्वियसली कैरी कीजिएगा. जो छोटा वाला बैग रहेगा उसमें आप अपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो प्रोडक्ट को आप उसमें रखिएगा. कोई भी चीज़ों कोई भी सामान हो जैसे चार्जर वगैरह हो गया, टॉवल हो गया, ईयरपॉड्स हो गया, ये सारा चीज़ को उसमें रख दीजिएगा. सम बिट रनिंग लेट तो अभी मेरे को निकलना पड़ेगा. सारा सामान वगैरह पैक हो गया, एवरीवन इज हियर इन द हाउस. यहाँ पे थोड़ा सा आयरन वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रॉली वगैरह सब है. तो फिर चलते हैं स्टेशन की तरफ और वहीं पे ही मिलते हैं. ब्लॉक पे बने रहिएगा. आई बी कैरिंग माई बोया MM1 माइक. ये यूजली उतना यूज़ नहीं होता है बट कभी कभी ये यूज़ में आता है. दो ट्राईपॉड है, एक गोरिल्ला ट्राईपॉड ये और एक है जो अभी मैं जिसे शूट कर रहा हूँ. लेट मी शो यू. ये दोनों ही चीज़ मेरे को यूज़ नहीं होता है बट टाइम लैप्स वगैरह जा रहे हैं पहाड़ों में तो ये सारा चीज़ रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए मैं ये दो चीज़ कैरी कर रहा हूँ. बाकी मेरा एक विंटर वेयर है और कुछ कपड़े हैं. यहाँ पे भी कुछ कपड़े हैं जो अनआयरन्ड है तो इसको भी आयरन करना पड़ेगा. उसके बाद में ये मेरा लगेज पैक हो जाएगा. कोई तो आ चुके हैं, सारा सामान वगैरह पूरा घर भर गया है मेरा. देखो कितना सारा लगेज है, कैसे पकड़ के जाएंगे वही नहीं समझ में आ रहा.
खरीदना था, तो वो सारा सामान खरीद के अब मैं घर आ चुका हूँ। आई हैवेंट पैक्ड माई स्टॉप्स येट, तो बहुत सारा सामान अभी है जो कि मेरे को पैक करना पड़ेगा। मेरा बाल तो भाई साहब का हो गया है, क्या बताएं जी। तो बहुत सारा सामान है, तो वो सारा सामान वगैरह को मैं अभी पैक कर लूँगा रात को, एंड कल सुबह हम लोगों को थोड़ा सा दक्षिणेश्वर भी जाना पड़ेगा मंदिर, क्योंकि एक ट्रिप स्टार्ट किया जा रहा है। थोड़ा सा पूजा वूजा करके थोड़ा अच्छे से जाएंगे। तो आज का ब्लॉग इतने में ही मैं एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और ये ब्लॉग में बने रहिएगा। अपकमिंग ब्लॉग बहुत सारे अच्छे अच्छे आने वाले हैं। लव यू ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल जैसे कि मैं बता रहा था, हम लोग दक्षिणेश्वर मंदिर जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग दक्षिणेश्वर मंदिर के लिए निकल चुके हैं, और आज डे वन, तो आज ही हमारी ट्रेन है। और हमारी जो ट्रेन है वो है 3:55 को, एंड आई एम होपिंग कि हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। वैसे मैंने आप लोग को ये चीज़ बताया ही नहीं कि हम लोग एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं। आप लोग गेस कीजिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। वैसे आगे चल के आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि हम लोग जा रहे हैं। संडे को वैसे ही मंदिर वगैरह अगर विजिट करोगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह ही रहेगा। सो फाइनली हम लोग दर्शन करके हमारी ट्रिप के लिए निकल चुके हैं, और आगे चल के आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। और ये ट्रिप में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज माय आउटफिट, और हम लोग अब निकल चुके हैं ट्रिप के लिए। हम लोग का गाड़ी भी आ चुका है उधर है, और मैं यूजुअली बहुत टायर्ड दिख रहा हूँ शायद तक फेस से, क्योंकि वो है रनिंग लेट, और बहुत लेट हो चुका है अभी। अभी हम लोग निकल रहे हैं। हियर इज आवर कार। खाना देखेंगे स्टेशन पे। टाइम पे पहुंच जाएंगे, खाली खाना पीना वहाँ पे थोड़ा देख लेंगे। ट्रेन में मिल जाएगा ना खाना पीना? चलो जय जगन्नाथ। तो यहाँ से हमारी ट्रिप शुरू होती है। अब हम लोग निकलते हैं स्टेशन के लिए, पहुँचते हैं तभी बात करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा परेशानी फील हो रहा था रास्ते में, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि हम लोग टाइम पे पहुंच पाएंगे स्टेशन में, कहीं गाड़ी ना छूट जाए, ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी हम लोग को। बट फाइनली हम लोग पहुंच गए स्टेशन पे। अभी है टाइम है वक्त से स्टेशन पहुंचने के बाद एक बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा लगा कि चलो कहीं पे टाइम पे तो पहुंचा। कम नहीं हुआ हम लोग का, पता है। तो वो एक अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, और ये कन्फर्म हुआ ऊपर से V2 कोच का। जितना भी RSC था हम लोगों को, तो कुछ भी एक सीट अलॉट हो गया ना। ट्रेन में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपना टिकट चेक करके अपना नंबर पहले देखा, अपना बोरिया बिस्तर बढ़िया से अपने कुर्सी के नीचे लगवा लिया, फिर बैठ के थोड़ा बहुत डिस्कशन किए। अपनी वाली जो ट्रेन थी वो सराईघाट एक्सप्रेस, ये एक ही ट्रेन है जो बहुत जल्दी गुवाहाटी पहुँचाती है। बाकी सारी ऑप्शंस भी हैं, आप लोग देख सकते हो। तो हमने ये जो ट्रेन टिकट बुक किया था वो था ₹1365 एक्सक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। देयर आर अदर ऑप्शंस, मतलब आप लोग स्लीपर्स में भी जा सकते हैं, बट वेदर बहुत ज़्यादा गर्मी वाली थी तो इसी के लिए हमने AC प्रीफर किया। 3A AC 1365 इज़ द गुड ऑप्शन, तो हमने वो ऑप्शन चूज किया। दिखाई नहीं दे रहा है करके शूट करने से। फाइनली वी आर इनसाइड द ट्रेन, बट नॉट हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर। पता नहीं है कि आगे चल के क्या होने वाला है वेदर का। होपिंग कि सब कुछ अच्छा जाए। जय जगन्नाथ। यहाँ पे बहुत तो रहा है, अभी से ही बारिश होना चालू हो गया है बाहर में, सब यहाँ पे भीड़ लगा दी है रस्ते में। पता नहीं है कौन सा स्टेशन है, बट बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रहा है।
मैं तो इसी के लिए यही पहन के आ गया हूँ भाई, यही बेस्ट है। सीट्स वगैरह का थोड़ा सा लोचा है बट somehow it's managed। बाकी तीन जन का उस तरफ अलग गिर गया है सेम कोच में, बट तीन जन का अलग और तीन जन का अलग ऐसे हो गया। तो लेट्स सी क्या होता है। अब तो ट्रेन पे ही आगे 18 आवर्स तक ट्रेन के अंदर ही रहेंगे, तो देखते हैं। ब्लॉग तो कंटिन्यू रहेगा तो आगे भी आप लोगों को पता चलता रहेगा। यह अपना सफ़र होता है यहाँ से चालू और अपना ट्रेन जो है रफ्तार पकड़ लिया है बढ़िया से। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है। तो सब कुछ ठीक है, मेरा मुंह देख के आप लोगों को बहुत अजीब ही लग रहा होगा, आई नो थोड़ा डर लग रहा होगा। और मैं अभी ब्लॉग वगैरह कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ट्रेन के अंदर में तो साउंड वगैरह। एंड इसके बाद होता है मेरे फ़ोन का बैटरी ड्रेंड आउट। स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल, आगे चल के आप लोग को देखने को मिलेगा कि क्या क्या एक्साइटिंग हुआ है ट्रिप में। So please stay tuned with my channel and if you haven't subscribed yet, please subscribe and wait for the second vlog. Bye bye, take care and love you all.